पंजाब कांग्रेस में चल रहा गतिरोध हम सब जानते हैं। इसी बीच दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही वो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें रविवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चुना गया। सोमवार को राजभवन में चन्नी के साथ ही मंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने भी शपथ ली। सोनी और रंधावा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस शपथ ग्रहण में अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने रविवार को चरणजीत सिंह चन्नी को नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। चन्नी के शपथ ग्रहण के बीच ही पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबर आई है। ये खबर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के बयान पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील छाकड़ की आपत्ति के बाद आई है। रविवार को नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बीच ही हरीश रावत ने कह दिया था कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके इस बयान पर सुनील झाकड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर ऐसा बयान हैरान करने वाला है। सुनील झाकड़ ने ट्वीट किया है और लिखा है, मुख्यमंत्री के रूप में श्री चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण दिवस पर श्री रावत का ये कथन कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चौंकाने वाला है। इस बयान से मुख्यमंत्री के अधिकार कमजोर होने की संभावना है और इससे उनके चयन का उद्देश्य भी खारिज होता है। आपको बता दें, सुनील झाकड़ का नाम ऐसे लोगों में था जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के तौर पर पहले चल रहा था। खैर, आने वाले समय में पंजाब में क्या होगा ये तो भविष्य के कर्त में छुपा हुआ है, लेकिन वहां से खबर ये साफ निकल कर आ रही है कि कांग्रेस में वहां पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।